आज से डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस पानी और सीवर के लिए बंद किए जाते हैं। और अब अगर किसी को पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेना होगा तो उसे मात्र 2,310 रुपए देने पड़ेंगे। पहले जो 1,14,110 रुपए देने पड़ते थे 200 मीटर के कनेक्शन के लिए, वो अब केवल 2,310 रुपए देने पड़ेंगे। कितना भी 300 मीटर के प्लॉट के लिए पहले 1,24,110 देने पड़ते थे, अब केवल 2,310 रुपए देने पड़ेंगे। इससे मुझे लगता है कि जितने हमारे एरियाज ऐसे हैं जहां हमने पानी की पाइपलाइन डाल दी है, जहां हमने सीवर की पाइपलाइन डाल दी है, वहां पे बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग पानी और सीवर के कनेक्शन लेंगे। और ये सब लोग नेटवर्क के अंदर आएंगे, जिससे जो अनअकाउंटेड वाटर है, जो नॉन रेवेन्यू वाटर जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़े स्तर पे कम होगा। वो सब हमारे मेन स्ट्रीम के अंदर आएंगे और इससे पूरा सिस्टम जो है वो सुधरेगा। इसके ऊपर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। बस 2,310 रुपए देने होंगे टोटल, किसी भी प्लॉट साइज का, चाहे 50 का हो या 100। नहीं, पानी की लाइन नहीं है तो वो कनेक्शन किस चीज का ले? जहां जब हमारी सरकार बनी थी, जैसा मैंने आपको बताया था कि 58% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन थी, अब 93% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन है। धीरे धीरे बाकी दिल्ली के अंदर भी पाइपलाइन पहुंच जाएगी। तो जहां जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है वहां पे पानी का नया कनेक्शन, ऑफिशियल कनेक्शन लेने के लिए आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। ये मे बी अ वीक्स टाइम, आज जल बोर्ड ने निर्णय ले लिया, बस अब इसको लागू नोटिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे जल्दी। देखिए, मैं पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता। इनमें से किसी को भी दिल्ली के पानी से कोई सरोकार नहीं है, केवल पानी को लेके गंदी राजनीति की जा रही है। मेरा आप लोगों के माध्यम से एक ही निवेदन है, अगर कहीं गंदा पानी आ रहा है आप हमें बताइए, हम ठीक करा देंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव दिल्ली के लोगों को साफ सुथरा पानी पहुंचाने का है। ये तूतू मैं और राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हमारी सरकार बनी थी 2300 से ज्यादा ऐसे इलाके थे जहां पे गंदा पानी आया करता था। आज 125 से कम इलाके बच गए हैं दिल्ली में जहां पे अभी गंदे पानी की शिकायत है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 2300 से घटा के 125 पे ले आए हैं। इतने सारे इलाकों के अंदर मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे संत नगर है, संत नगर में पानी की पाइपलाइन बदली हम लोगों ने 2018 में। वहां पे पहले पानी की, गंदे पानी की शिकायत थी, अब नहीं है। कमलपुर है बुराड़ी में, वहां पे पानी, गंदे पानी की शिकायत थी, हमने 2019 में पानी की पाइपलाइन बदली, अब वहां पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है। महावीर विहार है पालम में, वहां पे सीवर के साथ पानी मिक्स होके आता था, हमने अभी जुलाई 2019 में पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन बदली है, अब वहां पे गंदे पानी की शिकायत नहीं है। करावल नगर में डी ब्लॉक खजूरी है, वहां पे हमने 2018 में पानी की पाइपलाइन बदली थी,
पहले गंदे पानी की शिकायत थी, अब नहीं है। इसी तरह से मैं आपको अभी जैसे 15 एग्जांपल दे सकता हूं, ऐसे कई 100 कॉलोनीज हैं, मैंने आपको बताया 2300 से ज्यादा कॉलोनीज थी जहां गंदे पानी की शिकायत थी, लेकिन अभी कुछ एरियाज हैं, हम खुद मानते हैं 70 साल की समस्या थी, 70 साल के अंदर इस सिस्टम को खराब किया गया था। 70 साल का खराब सिस्टम केवल 5 साल के अंदर तो ठीक नहीं हो सकता। जैसे धूमवती वाली गली है पालम गांव में, वहां अभी भी गंदे पानी की शिकायत है, वहां पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं, दिसंबर के महीने तक बदल जाएगी, उसके बाद वहां पे गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। दीपक विहार है विकासपुरी में, वहां गंदे पानी की शिकायत अभी भी है, वहां पानी की पाइपलाइन बदल रहे हैं, वो भी दिसंबर तक बदल जाएगी, उसके बाद गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। K5 ब्लॉक विकासपुरी है विकासपुरी में, वहां भी गंदे पानी की शिकायत है, जनवरी के महीने तक वहां पे पानी की पाइपलाइन बदल जाएगी, वहां गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। पटपनगंज में मंडावली गांव है, वहां पे पानी की गंदे पानी की शिकायत है, वहां सीवर और पानी दोनों की पाइपलाइन बदल रहे हैं, वहां दिसंबर तक पाइपलाइन बदल जाएगी, वहां भी गंदा पानी आना बंद हो जाएगा। तो जो बची हुई कॉलोनियां हैं जहां गंदा पानी आता है, वहां पे सरकार लगी हुई है और बदल रही है। फिर भी अगर कोई ऐसी कॉलोनी है जहां पे किसी को भी गंदे पानी की शिकायत है, आप आके हमें बताइए, हम उसको ठीक कराएंगे। इस पर राजनीति बंद कर देते हैं। वो हो रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, उसके इसका दे देंगे, अभी आप बता देना इनका डेटा दे देना कि पिछले 5 साल के अंदर हमने कितने किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, कितने किलोमीटर बदली है, वो सारी आपको डेटा दे रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि मैं इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, मेरा मकसद दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी पिलाना है, अगर कहीं खराब पानी आ रहा है मेरे को बता दीजिए, मैं ठीक करा दूंगा, खत्म। इस